हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम फैटल इडीनियन टावर के बैटल 199 को कंप्लीट करेंगे। तो पहले बैटल स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको इक्विपमेंट्स वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। तो दिक्कत यह है कि ये असासिन टीम है, प्लस ये ब्रूटैलिटी भी करने वाले हैं। इनरेज मतलब पावर जनरेशन बहुत ही ज्यादा तेज है, तो मुझे जितनी हो सके उतनी जल्दी इनको मारना है। हाँ, और ये सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है इवेडिंग। जितनी बार ये इवेड करेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। यार अनब्लॉक नहीं हुआ, ठीक कोई बात नहीं, आ गया सबसे डेडली कैरेक्टर। तो गाइस ये बैटल कम्प्लीटली लक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका लक अच्छा है तो आप बचेंगे। सेट यार, चलो एटलीस्ट मेरे पास बोन शील्ड है तो मेरे को भी कोई डैमेज नहीं होगा। यार जेट तो ऐसे एसपी वन कर रहे हैं ना मानो कुछ है ही नहीं हम। चलो बोन शील्ड फिर बचा लिया, अब एसपी टू करेगी और SP1 इसका रेडी है। तो जेड कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज करिए ना जिससे उसका 50% पावर कॉस्ट बच जा रहा है। थैंक गॉड हम बच गए। एक और, थैंक यू, क्या बात है यार, हम तो बहुत ज़्यादा लकी है। सिट, हमको लगा हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है कोई नहीं। चलो भाई एटलीस्ट जेड को मार दिए। असासिन जेड सबसे डेंजरस थी इस टीम के अंदर एंड इसी के साथ जॉनी कैज भी मरेगा, ठीक है कोई नहीं। अब बस किडाना और स्कारलेट बची हुई है। SP1 सेट मिस कर गए। एक और SP1 सेट, यार 40% यार कम ऑन। अब ये करिए एक्सरे, हम इसको मौका नहीं देंगे बिल्कुल। एक मौका मिला और ये एक्सरे कर देगी, हमको इसको पहले मारना पड़ेगा। सेट यार, ये तो इवेट जो करते हैं ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेट फिर मिस हो गया, थैंक यू, हम बहुत ही लकी थे हम बच गए। वाओ हम एक्सरे डॉर्च कर लिए गाइस, पता नहीं ये कैसे हुआ, लगता है मेरा लक बहुत अच्छा है। तो एक बात तो हमको मानना पड़ेगा, ये बैटल सही में हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये अनब्लॉक भी नहीं होता जल्दी। अब इस SP2 के साथ मर जाएगी। तो ये बैटल हार्ड था लेकिन वन ट्राई में कंप्लीट हो गया, वैसे मुझे लगा नहीं था एक ट्राई में मैं कर पाऊंगा। तो गाइज अब मैं आपको इक्विपमेंट्स दिखा देता हूं। एंड गाइज ये रहा इक्विपमेंट्स जो मैं यूज कर रहा था। एंड गाइज बैटल 180 पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मुझे कुछ कमेंट आए थे तो आज शाम तक उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। एंड गाइज टैलेंट्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं।